वह राजनेता जिसे शेरे बिहार के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन में जिसे अंग्रेजों ने मार दी थी गोली, अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए और कहलाए आजाद। इस राजनेता पर भागलपुर दंगे का लगा था आरोप। मंत्री और मुख्यमंत्री रहते भर में किए थे कई विकास के कार्य। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहा, तो वहीं बिहार की सियासत में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब केंद्र में रहे तो एक केंद्रीय मंत्री की तरह रहे और बिहार में आए तो वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक दौर था जब उन्हें शेरे बिहार के नाम से भी जाना जाता था। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं भागवत झा आज़ाद के बारे में। वे जहां भी रहे उनके काम का खूब प्रशंसा हुई। बिहार में जिन नेताओं का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, उनमें एक नाम भागवत आज़ाद का भी है। उनके केंद्र और राज्य के लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद भी कभी उन पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। अब तो ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार नेताओं का गहना हो गया है। भागवत झा आज़ाद का जन्म 28 नवंबर 1922 को गोड्डा जिले के कस्बा गांव में हुआ था। तब यह पूरा इलाका बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में बिहार का जब बंटवारा हुआ तो यह क्षेत्र झारखंड का हिस्सा बन गया। झा की पढ़ाई लिखाई भागलपुर के TNB कॉलेज में हुई। उसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने चले आए। इतना ही नहीं, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब भी वे देश की आज़ादी में सक्रिय रहे। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका को कौन भूल सकता है। उस दौरान उनके पैर में अंग्रेजों की गोली भी लगी थी, कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन आज़ादी के मतवालों ने देश के प्रति अपना सब कुछ कुर्बान कर देश को आज़ाद करवाया था। इसी दौर की एक घटना ने इनके नाम के साथ आज़ाद सबको जुड़वा दिया। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वे भागलपुर और सुल्तानगंज इलाके के कुछ नौजवानों ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली असलहों से लदी एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। ब्रिटिश पुलिस भी काफ़ी सतर्क थी और उसे इस योजना की जानकारी पहले से ही मिल गई। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी थी और एक गोली भागवत झा को लग गई। यह गोली भागवत झा के जांघ में लगी और वे वहीं पर बेहोश हो गए, लेकिन पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि उनकी मौत हो गई है। इस दौरान पुलिस ने घायल क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती किया। इस दौरान अंग्रेजों ने यह तय किया कि जिन क्रांतिकारियों की मौत हो गई है उन्हें बाद में ले जाया जाएगा। इसी दौरान भागवत झा को होश आया और वे कुछ ही लोगों की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो गए। उसी घटना के बाद उनके नाम के साथ आज़ाद शब्द जुड़ गया। देश की आज़ादी के बाद साल 1951 में जब पहला लोकसभा का चुनाव की घोषणा हुई, जहां उन्होंने आज़ाद नाम के पीछे की पूरी कहानी पंडित नेहरू को बताया। उसके बाद आज़ाद शब्द हटाने से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का जलवा था। कांग्रेस से ही बड़े बड़े नेता उभर कर सामने आए। भागवत झा आज़ाद को भागलपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। वे यहां से लगभग 6 वर्ष सांसद रहे। वे देश की आज़ादी के बाद 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार, 7वीं बार और 8वीं बार की लोकसभा के सदस्य भी रहे। इसके बाद 14 फरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। भागवत झा जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय बिहार के स्पीकर थे शिवचंद्र झा और उनके बीच में तनातनी की स्थिति हो गई। दरअसल भागवत झा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में थे, लेकिन वे बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। ऐसे में बिहार विधानसभा के सदस्य उन्हें अपना नेता नहीं मानते थे, जिसको लेकर सदन में खूब खींचतान देखने को मिली थी। आखिर में स्थिति यह हुई कि भागवत झा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। 1989 में भागलपुर में हुए दंगे का राजनीतिक आरोप भागवत झा पर भी पहुंचा था। वे उस समय वहां के सांसद हुआ करते थे। उस दौरान उन पर यह आरोप लगा कि जिस तरह से भागलपुर में दंगे हुए हैं, अगर भागवत झा चाहते तो ऐसा नहीं होता। जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में एक विक्षोभ की भी स्थिति देखने को मिली और साल 1989 के बाद बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। इस घटना के बाद जब कांग्रेस पक्ष
इस घटना के बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भागलपुर लोकसभा सीट से भागवत झा को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चुनचुन यादव ने करीब 4 लाख वोट से हरा दिया। इतना ही नहीं, भागलपुर की इस घटना के बाद से कांग्रेस न तो विधानसभा का चुनाव जीत सकी और न ही लोकसभा का। भागवत झा के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यों का लोहा लोगों ने माना था। उन्होंने कृषि, शिक्षा, श्रम एवं रोजगार, नागरिक उड्डयन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य किया और उनकी जिम्मेवारी से निर्वहन किया और देश को विकास के एक नए रास्ते पर ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भागवत झा के बेटे कीर्ति आज़ाद झा भी बिहार की सियासत में एक्टिव रहे। बीजेपी के साथ उनका संबंध रहा, साथ ही साथ कांग्रेस के साथ भी उनका संबंध रहा है। कीर्ति आज़ाद भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य भी रहे हैं। साल 1983 में जब भारत पहला विश्व कप जीतने वाली टीम का वे हिस्सा भी रहे। 4 अक्टूबर 1911 को भागवत झा दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और चलते चलते आपसे एक सवाल, भागवत झा को लेकर अगर आपके मन में कोई भी विचार हो या फिर उनके जीवन से जुड़ी कोई घटना आपको याद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।